नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन प्रोक्ता परीक्षा चयन 2021 पीजीटी इतिहास और प्रैक्टिस सेट पचहत्तर है तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है इसमें मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है तो कौन सा एक कथन सही नहीं है तो इसमें आंसर हो जाएगा सी यानी शाही गृहस्थी मीर मंजिल के अंतर्गत था ये सही नहीं है मीर मंजिल यानी मीर समाज जो है अकबर के समय में बनाया गया एक विभाग था जिसका कार्य घरेलू मामलों की देखरेख करना था जबकि मीर आतिश मुगल तोपखाने का प्रधान था तो इसमें जो दिया है कि मीर मंजिल के अंतर्गत शाही के अंतर्गत मुगल प्रशासन में के अंतर्गत थी यानी शाही गृहस्थी मीर मंजिल के अंतर्गत थी मीर मंजिल नहीं था मीर समा था उसके अंतर्गत थी यानी गलत है ये सी क्वेश्चन नंबर दो है निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सिकरी में स्थित सही है फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है यहां पर नहीं होगा नहीं है तो इसमें आंसर हो जाएगा सी किला ए कोहना मस्जिद तो किला ए कोना मस्जिद जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है किला कोहना मस्जिद जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है ये शेरशाह के शासनकाल में बनाया गया था क्वेश्चन नंबर दो है तीन है अकबर के प्रशासन में किरोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था अकबर के प्रशासन में किरोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था तो किरोड़ी नामक अधिकारी का मुख्य कार्य था राजस्व का, का संग्रह करना आंसर हो जाएगा ए राजस्व का संग्रह करना तो अकबर के शासनकाल में जो है भू राजस्व व्यवस्था जो होती है उसके पुनर्निर्धारण करने के लिए पंद्रह सौ सत्तर इकहत्तर ईस्वी में मुजफ्फर खां तुरबाती एवं राजा टोडरमल थे को अर्थ मंत्री नियुक्त किया गया था और गुजरात को जीतने के बाद पंद्रह सौ तिहत्तर ईस्वी में अगर देखा जाए तो अकबर ने पूरे उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्त किया और इसे जो है अपने क्षेत्र में एक करोड़ दाम वसूलने का अधिकार होता था किरोड़ी यानी राजस्व का संग्रह करने वाला क्वेश्चन नंबर चार है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भू राजस्व संग्रह की दशाला पद्धति प्रारंभ की तो ये प्रारंभ की थी अकबर ने आंसर हो जाएगा सी अकबर ने तो अकबर के शासनकाल में देखा जाए तो 1580 सौ ईस्वी में टोडोर टोडरमल बंदोबस्त लागू किया जिसे आयने दशाला कहा जाता है और ये एक प्रकार की रियतवाड़ी व्यवस्था के टाइप की मतलब विभाग था या व्यवस्था थी जो मुगल मुगलकालीन लगान स्थायित करती है क्वेश्चन नंबर पाँच है गज ए सवाई क्या था या थी गज ए सवाई तो गज ए सवाई क्या था या थी तो यह जो है औरंगजेब का बड़ी तोप से सज्जित जलपोत है औरंगजेब का बड़ी तोप से सज्जित जलपोत है ये गज ए सवाई क्वेश्चन नंबर छ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है इस तो पर विचार करना है कौन सा कथन सही है पहला दिया है कि भारतीय संगीत पर प्राचीनतम फारसी रचना गुन्यात उल मुन्या अकबर के दरबार में लिखी गई तो ये तो गलत है दूसरा है संगीत तथा नृत्य की कृति संगोत्पोषण सरोधारा की रचना गुजरात के एक जैन विद्वान द्वारा की गई थी तो ये इसमें सही है दूसरा यानी पहला गलत है दूसरा सही है तो इसका आंसर हो जाएगा बी केवल दो इसमें सही है क्वेश्चन नंबर सात है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो इसमें कौन सा कथन सही है ढूंढना है तो इसमें आंसर हो जाएगा डी जब मुगल फौजों ने संभाजी के कल्याण पर घेरा डाला तब पुर्तगालियों ने मुगलों की रसद से सहायता की ये इसमें सही है डी वाला आंसर इसमें सात का क्वेश्चन नंबर आठ है वहदत अल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन प्राप्त था का अभिप्राय क्या था तो इसका अभिप्राय क्या था वह उल वजूद तो इसका अभिप्राय है परम तत्व की एकता आंसर हो जाएगा डी परम तत्व की एकता क्वेश्चन नंबर नौ है दक्कन के शासकों द्वारा मध्यकाल में इस्तवा उपाय अपनाए गए इनका क्या अर्थ था तो उपाय अपनाए गए इनका क्या अर्थ था तो इनका अर्थ था भू राजस्व का रियायती मूल्यांकन हो जाएगा बी भू राजस्व का रियायती मूल्यांकन क्वेश्चन नंबर दस है निम्नलिखित में से किसने स्त्रियों द्वारा परिवार एवं समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की अपने उपदेशों में पहचान की तो अपने उपदेशों में पहचान की तो वे थे गुरु नानक आंसर हो जाएगा ए इसमें गुरु नानक क्वेश्चन नंबर ग्यारह है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये कथन है अकबर के शासन में तोडरमल के बंदोबस्त के अंतर्गत पहला दिया इसमें राज्य द्वारा कृषकों को अग्रिम ऋण देने का प्रावधान था जो आसान वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता है तो सही है ये तो डरमल व्यवस्था में दूसरा दिया है खराब फसल के दौरान राजस्व वसूली में छूट प्रदान की जाती थी ये भी सही है तीसरा है राजस्व समाहर्ताओं को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य चरित्र तथा सत्यनिष्ठा के बारे में शासकीय वार्षिक रिपोर्ट लिखनी होती थी ये भी सही है चौथा दिया है लेखा हिंदी में रखने होते थे तो ये गलत है लेखा हिंदी में नहीं होता था समय फारसी भाषा थी तो चौथा गलत है इसमें आंसर हो जाएगा एक दो तीन तो इसका आंसर होगा बी क्वेश्चन नंबर बारह है निम्नलिखित में से कौन सा एक मान कौतूहल में संग्रहित है कौन सा एक मान कौतूहल में संग्रहित है तो ये संग्रहित है जिसका नाम है श्रुति मधुर संगीत कृतियां श्रुति मधुर संगीत कृतियां। क्वेश्चन नंबर तेरह है निम्नलिखित में से कौन सा समूह कौन सा समूह विजयनगर के पांडी मंडलम क्षेत्र के सही संगठन को निरूपित करता है तो वह समूह है इसमें आंसर होगा ए मदुरई चिंग्लेपुट दक्षिणी अर्काट त्रिवेनवेली ये आंसर होगा इसमें क्वेश्चन नंबर चौदह है भागवत पुराण का बंगाली में एक प्रारंभिक अनुवाद कार्य हुसैन शाह की कालावधि में हुआ यह अनुवाद कार्य किसने किया था तो यह अनुवाद किया था मालाधर वसु ने आंसर हो जाएगा बीस में मालाधर वसु ने क्वेश्चन नंबर पंद्रह है निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए उपरोक्त में से उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूण हुआ था तो कौन कौन भक्त थे तो इसमें केवल गुरु नानक थे उस समय तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही है गुरु नानक क्वेश्चन नंबर सोलह है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें आंसर हो जाएगा बी दादू दयाल ने दिग्वंत संतों की समाधि स्थलों पर पूजा करने की पद्धति का प्रारंभ किया था ये कथन इसमें सही नहीं है क्वेश्चन नंबर सत्रह है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा एक युग्म है जो इसमें सही सुमेलित नहीं है इसमें आंसर हो जाएगा बी महमूद वेगड़ा फौजी सरहिंद ये सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर अट्ठारह है निम्नलिखित में से किसने ऊषा परणय नामक नाटक जिसमें ऊषा तथा अनिरुद्ध के विवाह का विवरण लिखा है तो ये लिखा गया है ऊषा पाणे कृष्णदेव राय आंसर हो जाएगा सी के अनुरुद्ध के विवाह का विरुद्ध है लिखा है किसने कृष्णदेव राय ने देव तो कृष्णदेव राय जो विजयनगर के शासक था ये और एक महान शासक था जो साहित्य में विशेष रुचि रखता था क्वेश्चन नंबर उन्नीस है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था स्थापित करता था महानायकाचार्य महानायकाचार्य राजा गांव के प्रशासन की देखभाल महानायकाचार्य क्वेश्चन नंबर बीस है निम्नलिखित में से कौन सी एक विजयनगर साम्राज्य के विवरण से संबंधित नहीं है तो कौन इसमें एक है जो विजयनगर साम्राज्य के विवरण से नहीं है तो वह है प्रबोध चंद्रोदय आंसर हो जाएगा सी प्रबोध चंद्रोदय क्वेश्चन नंबर इक्कीस है निम्नलिखित में से गुजरात के किस शासक को पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय डुबो दिया यहाँ द है डुबो दिया था जब वह अपने जलयान पर था तो उस शासक का नाम था बहादुर शाह यानी बहादुर शाह सा, शासक था गुजरात का जिसको पुर्तगाली ने धोखे से उस समय डुबो दिया जब वह अपने जलयान पर था क्वेश्चन नंबर बाईस है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे वस्त्र को निर्दिष्ट करता है जो मध्यकालीन युग में प्रचलन में नहीं था तो यहाँ पर ये नहीं था ये नहीं होगा प्रचलन में नहीं था तो उस वस्त्र का नाम बताना है तो वह वस्त्र था प्रवार आंसर हो जाएगा ए प्रवार तो प्रवार था ये वस्त क्वेश्चन नंबर तेईस है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना इस पर और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये ढूंढना है इसमें कौन सा कथन सही है पहला है सिकंदर लोदी ने अपना आवास दिल्ली से आगरा परिवर्तित किया ये तो सही है दूसरा है इसमें बड़े अमीरों के व्यक्तिगत सैनिक सिकंदर लोदी द्वारा स्वयं नियुक्त किए जाते थे ये भी सही है तीसरा है सिकंदर लोदी ने मक्की की फसल पर शुल्क समाप्त कर दिया था ये इसमें गलत है शुल्क समाप्त नहीं किया था अब इसमें दिया है कि कर दिया था ये गलत है तीसरा यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा बी एक और दो इसमें सही है क्वेश्चन नंबर चौबीस देखते हैं निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी तो किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी तो इसमें आंसर हो जाएगा सी फिरोज तुगलक ने तो फिरोसा तुगलक ने जो है जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोसा तुगलक क्वेश्चन नंबर पच्चीस है और अंतिम क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मुस्त खराज के क्या कर्तव्य थे मुस्त खराज तो अलाउद्दीन के शासन काल में मुस्त खराज का कार्य था कृषिकों से बकाया भू राजस्व संग्रह करना बी आंसर होगा इसमें तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आए तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम मिलते हैं अगले वीडियो में